हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें स्वाइन फ्लू के बारे में, जो कि इस सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति बन रही है। सर्दियों के मौसम में सीजनल फ्लू होना एक आम सी समस्या है, एक आम सी बीमारी है, लेकिन यही फ्लू जब स्वाइन फ्लू बन जाता है तो स्थिति काफ़ी भयानक और गंभीर हो जाती है। और ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम उस बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं। अगर हम ये जान लें कि स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या है, अगर हो जाए तो हम क्या उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इस बीमारी से जो हमारा डर है वो बहुत कम हो जाता है। यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना इसको समझा गया है। अगर हम इसके लक्षणों को जान लें तो इससे बहुत ही आसानी इसका इलाज भी हो जाता है और हम इससे बहुत आसानी से बच भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। जो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, जो कि शुरुआती दौर में जो स्वाइन है सूअरों से में होती थी ये, लेकिन तब यह मनुष्यों में नहीं फैलती थी। लेकिन 2009 के एपिडेमिक में, जिसको WHO ने महामारी का नाम दिया था, उस वक्त इसके वायरस में तब्दीली हुई और यह मनुष्यों में भी फैलने लग गई, जिसको हम स्वाइन फ्लू, उसी के द्वारा ही ये नाम पड़ा है कि ये सूअरों से पहले होती थी और अब ये मनुष्यों में भी होने लगी है। अब हम जानते हैं कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है। जो स्वाइन फ्लू है वो एक संक्रामक बीमारी है, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को फैल सकता है। जो इसके फैलने के साधन हैं वो हैं ड्रॉपलेट से मेरा मतलब है कि अगर एक व्यक्ति, स्वाइन फ्लू से ग्रसित व्यक्ति अगर छींकता है, तो उसके जो छींकने के जो कण हैं, जो खांसी के साथ में जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उनसे दूसरे व्यक्ति को ये हो सकता है। यह जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वह दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। अगर ये ड्रॉपलेट, जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो वायरस की, जो किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने से बाहर निकलती हैं, वो किसी हैंडल पे लगी हों, कीबोर्ड पे लगी हों, ग्लास पे हों, या फिर आपके टीवी के रिमोट पे हों, अगर उनसे एक स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आता है तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है। जो ये वायरस है वो कठोर सतह पे करीब 24 घंटे के लिए और जो सॉफ्ट सतह है वहाँ पे 20 घंटे सर्वाइव कर सकता है। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जो इसके लक्षण हैं मैंने पहले ही बताया, इसके लक्षण जो हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम के ही होते हैं। तो बहुत बारीकी से अगर इसको देखा जाए तो हम परख सकते हैं कि स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल फ्लू है। तो इसके लक्षणों में मुख्यतः जो हैं वो हैं सिरदर्द, खांसी, बुखार, गले में खरांस या फिर गले में जकड़न होना, नाक से पानी बहना या नाक जाम हो जाना, थकान या कमजोरी, बदन में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, खाना खाने का मन न करना, उल्टी आना और ठंड लगना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं जो स्वाइन फ्लू में पाए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुखाम में है। तो इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि इसे स्वाइन फ्लू है या फिर नॉर्मल फ्लू है। तो जैसे ही आप में ये लक्षण दिखते हैं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम बात करते हैं हम इसे किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि स्वाइन फ्लू है या फिर नॉर्मल फ्लू है। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस रियल टाइम RT-PCR डिटेक्शन, यह जो जांच है वो 4 घंटे में आ जाती है कि स्वाइन फ्लू है या नहीं है। तो ये एक जांच है मुख्य जो हम करवा सकते हैं। जो स्वाइन फ्लू है वो विशेष वर्ग आयु के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर 50 साल से उम्र ज़्यादा है तो उनमें ये होने की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे भी ये जल्दी होने की संभावना रहती है। साथ में गर्भवती महिलाएं इससे जल्दी इन्फेक्टेड हो सकती हैं। और कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह है, डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या फिर कैंसर जैसे के जो मरीज हैं वो जल्दी इससे प्रभावित होते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अगर कम हो गई है, तो उन लोगों को भी स्वाइन फ्लू होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब हम चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
स्वाइन फ्लू अपने आप में होना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही कॉस्टली हैं, महंगे हैं। तो अगर इस बीमारी से सबसे पहले बचा ही जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं जो आपको अभी मेजर्स बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करिए तो आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या फिर रुमाल से अपने चेहरे को ढक के रखें, कि उसकी वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है, जो आपके खांसते या छींकते वक्त जो जो पानी की बूंदें से निकलती हैं छोटी छोटी, वो ना फैलें। अगर आपको खांसी या छींकना आ रहा है तो आप 6 फीट दूर जाकर ही खांसे या छींकें, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हाथ मिलाने से बचें, नमस्कार ही करें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। स्वाइन फ्लू प्रभावित इलाके में जाने से बचें, अगर फिर भी जाना आपको पड़ रहा है तो स्वाइन फ्लू से बचने का मास्क आता है एक N95, उस मास्क को पहन कर ही उस एरिया में जाएं, नहीं तो आपको वहाँ पर स्वाइन फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो N95 मास्क पहन के रखें स्वाइन फ्लू प्रभावित एरिया में। कुछ भी या खाने या पीने से पहले 6 स्टेप्स में अपने हाथ धोएं साबुन से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फ़ोटो दे दूंगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको कि वो 6 स्टेप्स क्या हैं। मैं यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी आप वो फ़ोटो ले सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, अननेसेसरी बेवजह अस्पताल में जाने से भी बचें, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मरीज आते रहते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएँ अस्पताल में बढ़ जाती हैं। तो बेवजह अस्पताल में जाना आप रहने दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका पूर्ण इलाज है वो उपलब्ध है। ये इतना ज़्यादा पैनिक होने का इसमें आवश्यकता नहीं है कि स्वाइन फ्लू हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो इलाज है वो बहुत आसानी से हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए और इसे एक थम्सअप दीजिए, और अपने रिलेटिव्स के साथ में इसे शेयर करिए कि स्वाइन फ्लू का जो हवा है, लोग अनावश्यक रूप से घबरा रहे हैं इससे, उसे बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।